कुछ साल पहले वायरल हुए इस गाने को फिर से सुनिए। इस सॉन्ग में जो उस समय वायरल हुआ था 4-5 साल पहले और आज जो वायरल हो रहा है उसमें दो बातें कॉमन है। एक, दोनों में सोनू कॉमन है और दूसरा, सोनू को सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अगर मैं सोनू के इर्द गिर्द इस वक्त होता उसके आसपास तो मैं इस बच्चे को यही सलाह देता कि बेटा एडमिशन नहीं, अभी मिशन पे फोकस करो। एडमिशन से ज़्यादा मिशन जरूरी है अपने लाइफ में। अपने लाइफ का एक मिशन बनाओ और उसकी नींव रखने का समय ये है। क्योंकि ये एक सोनू की बात नहीं है, ऐसे कितने सोनू हैं, कितने लोगों को हम सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं एनरोलमेंट की, जहाँ तक बात है स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल की सुविधा मिले, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि करियर की अगर हम बात करें, जीवन में अगर आप करियर की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कॉलेज हो जाता है। जी हाँ, इस बात को आप ठीक से समझिए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया लेकिन कॉलेज आते आते उनका ग्राफ एकेडमिक गिर गया और वो फिर कुछ खास नहीं कर पाए करियर में। क्यों? क्योंकि जो आपको नौकरी मिलती है, जो आपको जॉब मिलता है, वो आपको आपके नियरेस्ट जो आपकी जो डिग्री है उसके बेसिस पर मिलता है। तो कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अगर आप IIT से पढ़े हैं तो आपको लाखों लाख का पैकेज मिलेगा। आप अगर किसी साधारण कॉलेज में पढ़े हैं तो आपको जो एक IIT एक महीने में कमाएगा आपको वो एक साल में कमाना पड़ेगा। और आपको IIT में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 12th के बाद, तो ये उस वक्त आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कितना ऊपर नीचे है। बाद में कोई आपसे पूछेगा नहीं, अगर आप IIM अहमदाबाद से पास आउट होते हैं, 1 करोड़ का पैकेज आपको मिलता है, तो कोई कंपनी पूछेगी नहीं कि आपने स्कूल में किसी मीडियोकर स्कूल से पढ़ाई की या फिर कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, ये कोई पूछेगा नहीं। अब अगर बात आती है ये कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से स्कूल बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि 5 to 12 जो स्कूल डेज में पढ़ाई जाती है बातें, वही चीज़ें IAS सिविल सर्विसेज में CSAT में वो पूछे जाते हैं, उस तरह के सवाल। तो आज के समय में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं YouTube पे, इंटरनेट पे, बुक्स पे, वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, हंसते खेलते बच्चों की भाषा में इतने अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा इन्हें 5-6 साल तक पूरे स्कूल डेज में 5, 6, 7 से 10th तक 12th तक सुनता रहे, 15-20 मिनट रोज़ सुनता रहे, तो वो 10th 12th तक आते आते वो इतना नॉलेज हो जाएगा उसके अंदर, एक ज्ञान का भंडार बन जाएगा, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो स्कूल आपके आड़े नहीं आएगी अगर आप केवल इन लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा, ये हम सब जानते हैं कई 4-5 टीचर्स हैं, वो इतने अच्छे तरीके से आजकल समझाते हैं कि कभी कभी जो बड़े लोग हैं उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि ये इतने अच्छे अच्छे टीचर्स और इतने अच्छे अच्छे लर्निंग ट्यूटोरियल्स, 3D वीडियोज़, ये इंटरनेट, ये पहले क्यों नहीं था हमारे टाइम? पहले ये नहीं था, उस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज आपके मोबाइल में, देख रहा था वो वीडियो, सोनू जो है वो उसका भाई वो वीडियो गेम खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे तो खेलेंगे तो वीडियो गेम भी खेलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर 10-15 मिनट भी एक आदत डाल ली जाए कि जो ये इस तरह के टीचर्स लोग हैं यूट्यूब पे, उन्हें केवल सुनना है 10-15 मिनट भी अगर रोज़ सुनते, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ये टीचर्स लोग, तो उनको बस सुनते 5-6 साल में एक आप ज्ञान के भंडार बन जाएंगे, आपका बच्चा ज्ञान का भंडार बन जाएगा अगर ये आदत डाल ली जाए। मुझे याद है कि मैं जब 9वीं कक्षा में था तो जो लाइट का चैप्टर था फिजिक्स में, वो मुझे रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे समझाएंगे? इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा सकते हैं, लेकिन जब रिफ्रैक्शन आएगा तो आप वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे समझाएंगे? मुझे बहुत परेशानी होती थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन सब चीज़ों को समझने में। फिर केमिस्ट्री में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाना बहुत मुश्किल है डॉटेड डैश लाइन से। तो आज के जो बच्चे हैं वो बहुत लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास 3D वीडियोज़ हैं, EdTech प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, एडुटेनमेंट चैनल्स हैं, जिसमें ये सब समस्या नहीं है।
तो इसका लाभ उठाना चाहिए बच्चों को। इसीलिए एडमिशन की फिक्र उतनी नहीं करनी चाहिए कि मुझे किस स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। किसी मीडियोकर स्कूल में भी एडमिशन मिलता है, कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब चैनल्स जो आज इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, इसका लाभ उठाइए। ज्ञान यहीं से मिलेगा, स्कूल्स में कुछ उतना ज्ञान मिलेगा नहीं जितना उससे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। जो ये सब ये लोग जो हैं, जो इतने अच्छे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कई ऐसे आज बच्चे हैं जो अब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, अब उन्हें दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी नहीं करनी पड़ रही, वो अपने गांव-गांव में बैठ कर ही इन सब टीचर्स को सुन रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए दो बातें आज मैं चाहूँगा कि जो सोनू के इर्द गिर्द जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें दो बात समझानी चाहिए। एक, अगर आप प्रैक्टिकल एडवाइस आपको चाहिए और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए, स्कूल से ज़्यादा आपको कॉलेज आपका मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप बाद में आप आईआईटी करेंगे, आईएम्स निकालेंगे या पीएमटी में आपकी रैंकिंग क्या होगी, इससे आपका निर्धारित होगा कि आगे आपकी जॉब के लिए ही सब कर रहे हैं ना ये, अगर उस जीवन यापन की दृष्टि से देखा जाए तो वो कॉलेज के बाद निर्धारित होता है। इस वक्त टेंथ तक कुछ खास कोई मैटर नहीं करता, अगर आप ठीक ठाक हैं, अगर मीडियोकर स्टूडेंट भी हैं टेंथ तक, उसके बाद आप बहुत अच्छा अगर करते हैं वहाँ से आपका करियर निर्धारित होता है। एक बार आप आईएम से निकल कर आते हैं, आपको 1 करोड़ की पैकेज मिलती है, फिर कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आपने किस मीडियोकर स्कूल से पढ़ाएगी या कहाँ से पढ़ाएगी। और अगर आपने कैट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, आपको आईएम्स नहीं मिली, तो फिर कोई आपको ये भी नहीं भूलेगा आपने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, तो आइए आपको मैं 1 करोड़ का पैकेज देता हूँ। इसलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करियर वाइज बाद में ज़्यादा मैटर करता है कॉलेज स्कूल, नंबर वन। नंबर टू, अब स्कूल की जो वो बात होती है, जो रोल है स्कूल का, कि एक बुनियादी, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छे अच्छे संस्कार को जो नींव रखने की बात है स्कूल्स की, उसमें आज इंटरनेट की दुनिया में बाधा नहीं है जो 20 साल पहले थी। क्योंकि आज के समय में आपको सभी इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, गेमिफाइड लर्निंग की बात होती है, वो वीडियो गेम खेलते खेलते सोनू पढ़ सकता है बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को, ये पहले नहीं था ये चीज़, ये स्टोरी टेलिंग का, एडटेक का जो एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एडमिशन कहाँ मिले, छोटे स्कूल में मिले, बड़े स्कूल में मिले, इसकी उतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी काफ़ी समय लगेगा जब चीज़ें पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। समस्या है गाँव-गाँव में, ये सबको पता है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा जब हम उस स्तर पे आ जाएगी, हर बच्चे को एकदम उच्च शिक्षा हम दे पाएँ स्कूल्स की, जहाँ तक बात है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो जो अवेलेबल है इंटरनेट पे वो ज्ञान वही है। आज ज्ञान इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल डेटा अगर का जुगाड़ा कर सकते हैं, मोबाइल अगर आपके पास है, जो आज लगभग हर किसी के पास मोबाइल है, तो ज्ञान के लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए अंततः मैं यही कहूँगा कि बेटा सोनू, एडमिशन नहीं, मिशन बनाओ अपने लाइफ में, मिशन पे फोकस करो। अपने जीवन का मिशन क्या है, उसकी नींव रखने का समय अभी ये है, ये बाल्यावस्था।